देखिए, एक और आपके मतलब का टूर्नामेंट जिम्बाब्वे टूर ऑफ बांग्लादेश, बट एक इशू ये है कि बांग्लादेश ने जो हाल ही में श्रीलंका में के लिए जो श्रीलंका को बुलाया था उसमें उन्होंने पीछे सीजी कर दी और उसकी वजह से ये मैच हारे। ठीक है, ये अपने हिसाब की अगर पिच बनाएंगे, टर्निंग ट्रैक बनाएंगे, मैं वही बोलता हूँ 140-50-60 का टोटल ही हमारे लिए बेटर है, वहीं हम दोनों तरफ से कुछ कर सकते हैं। आजकल की पिचेस इतनी फ्लैट हो गई हैं जिसका कोई सेंस नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ सिंस वेस्ट इंडीज में भी पता नहीं, वर्ल्ड कप में ऐसे तो वेस्ट इंडीज में रन बनते नहीं, अब क्या होगा वो नहीं पता, बट अपन प्रिडिक्ट करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, 5 T20 है, बहुत तगड़ा टूर्नामेंट होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, अभी 9:30 बजे सुबह तो नहीं होगा किसी भी सूरत में, 5 T20 है, वही शाम में होगा और दोपहर में होगा। ठीक है, उनका वही हिसाब रहता है। अभी बांग्लादेश में बारिश भी चल रही है, आप देख सकते हो, बांग्लादेश इंडिया वुमेंस बांग्लादेश गई है, तो यहाँ भी एक मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये वही देख लीजिए, आप रन बन रहे हैं भर भर के, 200 रन बन रहे हैं, बनना नहीं चाहिए। टोटल बांग्लादेश में 160 का टोटल ही बेस्ट था, इसीलिए इन्होंने इंग्लैंड को भी हराया था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने पीछे सीजी कर दी और इन्होंने खामियाजा भुगता, आप देख सकते हो लास्ट सेम यही मैं बोल रहा हूँ, 160 बनाया और डिफेंड कर दिया था। ठीक है, 150-60 बनाया, डिफेंड कर दिया था। तो ये बात है, पिचेस टफ बनाएंगे तो ही इनका काम बनेगा बांग्लादेश का, उनके स्पिनर्स मेन है, अदरवाइज ये भी काम से जाएंगे। ठीक है, अब पहले तो बांग्लादेश की बात करते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड कप के लिए अब टीम का लगभग सारी टीमों का सिलेक्शन हो गया, बट एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ एक तरह से ये जो सिलेक्शन होता है वर्ल्ड कप का, जैसे आज से ही सिलेक्शन कर दिया तो इसमें से बाद में वो ड्रामा करके 2-3 प्लेयर को निकाल के जो आखिरी स्क्वाड उनको देना है 25 मई तक वो वापस से दे देंगे। तो ये बात है, ये बात ये सोच लीजिएगा, ये लोग खाली नौटंकी करते हैं कि टीम दे दिए, बाद में बोल दिए 4 प्लेयर इंजर्ड हो गया और नए प्लेयर को घुसा दिया। अब जैसे वही इंडिया में रिंकू सिंह को वो ला सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं। तो नितिन दास थोड़ा फॉर्म में आउट ऑफ फॉर्म है, रंजीत रसान काफी अच्छा खेल के आ रहे हैं और सेंचुरी भी मारा है बीपीएल में, नजमुल हसन सांटो इनके मेन प्लेयर, टॉमी डोडा एकदम टॉप क्लास प्लेयर है, फ्यूचर है इनके। ठीक है, ऑलरेडी सेंचुरी मार रहे हैं, महमूदुल्ला रियाद को इन्होंने एज एन एक्सपीरियंस प्लेयर लिया, काफी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, जाकर अली कोई भी मैच अपनी बैटिंग से विन करा रहे हैं बीपीएल में, अभी हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ भी इन्होंने भयंकर पारियां खेली है, आउट ही नहीं होते, छक्का छक्का मारते नीचे। ऋषभ हसन एकदम टॉप क्लास ऑलराउंडर है, इनके लेग स्पिन प्लस आपने देखा ही होगा श्रीलंका के खिलाफ कैसी बैटिंग की थी, ये सब इनके ऑलराउंडर है। मेहदी हसन ये दूसरे वाले हैं जो इंडिया के खिलाफ इन्होंने मैच जिताया था, जो 260 रन कुछ बांग्लादेश ने डिफेंड किया था, इन्होंने शुभमन गिल को आउट किया था, तो काफी अच्छे स्पिनर है। एक और इनके मेहदी हसन है जो इनके मेन प्लेयर है, उनको पता नहीं है क्यों टीम से निकाल दिए और बीपीएल जैसे फालतू टूर्नामेंट में उनको ना बैटिंग मिली ना बॉलिंग मिली, बैटिंग कर रहे थे शायद ओपन करने आ रहे थे, इससे बढ़िया तो भाई इनको आप बेकार टीम में घुसा के कैप्टन बना देते, इतने बड़े प्लेयर को आप बर्बाद कर रहे हो, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, उन्होंने बॉलिंग ही नहीं की T20 में, और भैया क्या कमी है उसके अंदर मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तस्कीन अहमद बैटिंग भी कर लेते, याद रखिएगा नीचे में छक्का चौका मार लेते हैं, बॉलर तो हैं। शरीफुल इस्लाम मेरे ख्याल से तो मैं बोलता हूँ भाई आरसीबी को इनको ले लेना चाहिए अपने टीम में, आपको लग रहा होगा भाई मजाक कर रहे हो भैया, लॉकी फर्ग्यूसन और ये सब जो फालतू प्लेयर उससे तो 10 गुना ज्यादा बेटर बॉलर ये है। ठीक है, मोहम्मद शरीफुल इस्लाम नाम याद रखिएगा। ठीक है, अभी बच्चा है, 21-22 साल का, 23 साल का होगा और भयंकर अभी खेलेगा, अभी देखिएगा। तंजीब हसन साकिब तो मेरे को ठीक लगते हैं बैटिंग में, इनकी बैटिंग आना भी 11 नंबर तक याद रखिएगा, और बॉलिंग में भी कोई कमी नहीं है। मुस्तफिजुर रहमान सुनने में आ रहा है, पहले 3 T20 में नहीं खेलेंगे। तनवीर इस्लाम वही हैं, ये कोमिला में थे, लेफ्ट आर्म के स्पिनर हैं, और शुरू में बॉलिंग करने आते हैं, उतनी टर्न नहीं कटा पाते हैं। आफिफ हुसैन अच्छा हुआ सिलेक्शन हुआ, मेरे ख्याल से इनको सारा मैच खेलना चाहिए। मोहम्मद शैफुद्दीन अब ये तो भाई टीम में आ गए तो खेलेंगे, बैटिंग भी करते हैं बॉलिंग भी करते हैं, आपने देखा बीपीएल में भी। और परवेज हुसैन ओमैन कोई मेरे को खास नहीं लगे थे, लेफ्टी बैट्समैन है, विकेट कीपर बैट्समैन है, तो टीम में तो कोई कमी नहीं है, बैटिंग लाइन अब आखिरी तक है, बॉलिंग लाइन अच्छी है, अपने धरती पर खेल रहे हैं, सब कुछ इनके फेवर में। ठीक है, अब पर यह है कि इनमें मुश्किल रहीम नहीं है, आपके शाकिबुल हसन नहीं है, मेरा जो एक ट्रिक है। ठीक है, अगर कोई भी बड़ी टीम में 2-3 मेन प्लेयर नहीं होते तो वो मैच वो हारते हैं जैकपॉट स्टाइल में, वो चीज़ भी याद रखिएगा, वो बाकी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले बांग्लादेश इसका स्क्वाड देखते हैं। ठीक है, क्रेग अरविन ओपन करेंगे, ब्रायन बेनेट भयंकर फॉर्म में है, मतलब इतना रन इन्होंने बनाया डोमेस्टिक में, अभी मैंने भी आपको देना स्टार्ट किया था, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं ऑलराउंडर है, श्रीलंका के खिलाफ भी अच्छी बैटिंग की थी, सीन विलियम्स आप जानते ही हो, सिकंदर रजापट अपने दम पे मैच जिताएंगे, श्रीलंका को इन्होंने हराया था याद रखिएगा, उनकी हालत खराब की थी, हराया था कि नहीं पता, पर बांग्लादेश और श्रीलंका में श्रीलंका वन साइड जीती थी, तो इनकी टीम अच्छी, रायन बॉल देखिए हर बार रन बनाते हैं, लेफ्टी बैट्समैन है, बहुत तगड़े क्रिकेटर, एटीट्यूड इनका थोड़ा ज्यादा हो रहा है मैं देख रहा हूँ इधर भी। ठीक है, इनके डोमेस्टिक में भी मैं देख रहा था, बट ये है कि बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं, लेग स्पिनर क्लाइम मंडांडे एज अ फिनिशर याद रखिएगा, श्रीलंका के खिलाफ लास्ट में जो इन्होंने मैच चेस कराया था 18 रन बना के, ये कंटिन्यूस मैच विन कराते हैं, इसके पहले आयरलैंड में भी, आयरलैंड के खिलाफ भी ग्राम ह्यूम की बॉल पे शायद लास्ट बॉल पे चौका मार के मैच जीता था, तो ये फिनिशर याद रखिएगा। फराज अकरम बेकार प्लेयर, मेरे को उतने पसंद नहीं है, बॉलिंग ऑलराउंडर है, लूक जोंगवे को सारा मैच खेलना चाहिए, अच्छी बॉलिंग करते हैं, नीचे में मोटा मारते हैं, विलिंगटन मजाकर जाए एकदम टॉप क्लास के बॉलर है, ठीक ठाक बैटिंग करते हैं, रिचर्ड नगरवा के पास भी हिटिंग कैपेबिलिटी, और मेरे हिसाब से इसको भी आईपीएल खेलना चाहिए, आप बोलोगे भाई फिर मजाक कर रहे, और वही है कि ये सब बॉलर को कभी कोई लेगा नहीं, भाई मैं बोल रहा हूँ कौन लॉकी फर्ग्यूसन, कौन क्रिस वोक्स, इतने फालतू बॉलर को आप खिला रहे हो जो अभी कोई फॉर्म में ही नहीं है, आप इन सबको खिला लो जो ये सब विकेट भी लेते हैं, आपको विकेट लेके देंगे और ईमानदारी से 4 ओवर भी करेंगे। ब्लेसिंग मुजरबानी भी एकदम टॉप क्लास के बॉलर हैं, अभी हाल ही में आपने देखा आईएल T20 वगैरह सब जगह अच्छा करता है, लास्ट ओवर में डिफेंड भी करके दिया है। जेरॉल्ड गुम भी एकदम थर्ड क्लास प्लेयर मेरे को लगते हैं, ANDLOWU अच्छे लेफ्ट आर्म के ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, पर उतना अभी मेरे को नहीं है उनके अंदर, और जोनाथन कैम्बल को भी मैंने उतना देखा नहीं, और ये बंदा सीधा टीम में खेलेगा, भर भर के रन इन्होंने बनाए हैं, अभी जो हाल ही में जिम्बाब्वे का T20 हुआ था ये इन्होंने बहुत रन बनाए, मतलब लेफ्टी बैट्समैन है और हर मैच में रन बनाया, तो इसको तो टीम में रहना चाहिए, और फराज अकरम को लात मार के निकालना चाहिए मेरे समझ से, ये 2-3 फालतू प्लेयर को इन्होंने लिया है। मैच देखिए अच्छा बन सकता है, दोनों ही टीम देखा जाए तो बॉलिंग वाइज अच्छी है, दोनों ही टीम देखा जाए तो चेजिंग वाइज अच्छी है, तो मेरे को कुछ बोल नहीं सकता हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोनों की टीम में अब वो पिच किस हिसाब से बनाएंगे ना बेसिकली उसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, पिच किस हिसाब की रहेगी उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, अगर पीछे ये टर्निंग ट्रैक बनाएंगे तो इनको फेवर करेगा, नहीं बनाते हैं तो फिर भैया फिर अगर पहली बैटिंग में भी अच्छा खासा रन बना देते हैं, जिम्बाब्वे की बॉलिंग हमेशा अच्छी रही याद रखिएगा, आपके सिकंदर रजा अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, रिचर्ड नगरवा, ब्लेसिंग मुजरबानी, इसमें भी देखा जाए तो ये सब भी अच्छा कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मुस्तफिजुर रहमान आपको नहीं दिख रहे, शाकिबुल हसन नहीं दिख रहे, तो बहुत अच्छा मैच हो सकता है, मैं ऐसे तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट आपको ये जरूर बोल सकता हूँ कि मैच आपको बहुत अच्छा मिल सकता है। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं जिम्बाब्वे को डिफेंड टीम मानूंगा ज़्यादा, वेदर देन चेज़, चेज़ में इनका ऐसा है कि
कई बार ये कितना मैच आपने देखा होगा वर्ल्ड कप में, मतलब चेज में फॉल्ट कर जाते हैं, ठीक है हाँ, नीचे में क्लाइव मरांडे आपको लूक जोंगे ऑलरेडी मैच विन करा के दिए, तो याद रखिएगा थोड़ा सा जैसा मैंने नेपाल में बोला शुरू में कोलैप्स करेंगे तो नीचे के चार पांच प्लेयर मैच विन करा सकते हैं, पर आप चेज में इन पर भरोसा नहीं कर सकते। हाँ डिफेंड कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से अगर मेरा यही ट्रिक है 20 ओवर पूरा खेल लेंगे तो सामने कोई भी टीम हो हालत खराब करने का इनमें दमखम है, यही सारे बॉलर्स खेले ये तीनों, इसके अलावा सिकंदर रजा डिफेंड कर सकते हैं, आपको याद होगा श्रीलंका के खिलाफ भी 143 रन की टोटल उनकी हालत खराब कर दी थी, ऑलमोस्ट मैच जीत गए थे, तो इनका ये है मैं ये मानता हूँ डिफेंड टीम है ये ज्यादा बेटर, यही रहेगा कि जिम्बाब्वे पहले बैट करके पूरा खेले तो आप जिम्बाब्वे पकड़िएगा। नीचर्स नगरवा मैं फिर बोल रहा हूँ वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है, मैं बता रहा हूँ लेफ्ट आर्म का फास्ट बॉलर, तगड़ा है, बॉलिंग करने का सहूल है और सब कुछ है, इसके फिटनेस एकदम एवन है, ठीक है तो इसको पता है ये क्या कर रहा है। ब्लेसिंग मुजरमानी है आपके, सिकंदर रजा है और वेलिंगटन मजा करता है, याद रखेगा ये चार पांच बॉलर मिलकर आपको मैच विन करा देंगे। इसमें यही है कि ये भी वही है कि भैया शरीफुल इस्लाम विकेट ले लेते हैं शुरू में, रंजीब साकिब हसन उतने मेरे को पसंद है, तस्कीन अहमद आपके विकेट लेंगे, रिशाद हुसैन और मेहदी हसन पर मैं इनकी बॉलिंग पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकता, ठीक है हाँ तस्कीन अहमद वगैरह अच्छा कर रहे हैं, बट ये है कि इधर भी मैं देख रहा हूँ थोड़ा फॉर्म इनका डाउन होता जा रहा है, अभी धुरंधर ढांसा के खिलाफ भी इन्होंने अच्छी बॉलिंग नहीं की तो पता नहीं जानबूझ के नहीं की क्यों नहीं की मेरे को नहीं पता, बट डाउट तो है मेरे को है ना, तो इनको भी मैं मतलब यह क्रिकेट टूर्नामेंट अच्छा बनेगा। मैं ये बोल सकता हूं कि अगर जिम्बाब्वे डिफेंड कर रही है तो आप जिम्बाब्वे पकड़ सकते हो, ठीक है पूरा 20 ओवर करके खेल लेते हैं, बाकी कुछ होगा तो मैं बताऊंगा। इसमें कमियां हैं, इनकी टीम में कमियां हैं देखा जाए तो, हारे भी हैं बट यही अपनी धरती पे खेल रहे हैं तो इनको हराना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है वही है कि मैं यही बोल रहा हूं कि थोड़ा डिफेंड टूर्नामेंट की तरफ मेरा दिमाग ज्यादा जा रहा है, ठीक है मैं ये सोच रहा हूं हो सकता है टूर्नामेंट थोड़ा डिफेंड टूर्नामेंट हो जाए, बट मैं जिम्बाब्वे में श्योर हूं अगर 20 ओवर खेलेंगे तो कलर ला के देंगे, ये पहली बैटिंग करते हैं तो कुछ होगा तो मैं बताऊंगा, ऐसे मैं डिफेंड का ही प्लेयर हूं आपको पता है और तो कुछ मेरे को बोलना नहीं है दोस्तों। अभी के लिए मैं चलता हूं, टूर्नामेंट अच्छा होगा, 3-2 मैं दे रहा हूं बट 2 मैच इनको दे रहा हूं, अब आप बोलोगे भाई कौन से मैच में रहें, तो अगर पहली चलिए मैंने सोच लिया है मेरी तरफ से ये डिफेंड टूर्नामेंट रहेगा, ठीक है आप मेरे से ऐसे पूछोगे तो 5 T20 है डिफेंड के साथ आप रह सकते हो, पांचों में मैक्सिमम डिफेंड में कलर आएगा, ठीक है दूसरी अगर ये डिफेंड कर रहे हैं तो और श्योर है मेरी तरफ से, ये पहली बैटिंग करके पूरा 20 ओवर खेलें, मेरा सिंपल सा ट्रिक है आपको कुछ नहीं देखना कुछ मैच मत देखो, मेरा जो ट्रिक है अपना लो 20 ओवर अगर कोई भी गधी टीम पूरा खेल ले ईमानदारी से, मतलब 4-5 विकेट गिरे हो या तो आखिरी में पिटाई कर रहे हो फिर भले ही 7-8 विकेट गिर जाओ तो वो टीम के साथ आप रह सकते हो, डरने की बात नहीं कलर आ जाएगा। और बाकी बांग्लादेश अपने धरती पे खेल रहा है आपको फुल सपोर्ट बांग्लादेश का मिलेगा, आपको मालूम है इधर बांग्लादेश ये जिम्बाब्वे देना मुश्किल है, बट मैं आपको बता सकता हूँ जिम्बाब्वे किस किस कंडीशन में जीत सकती है, एक डिफेंड में जीत सकती है, दूसरा ये चेस कर रहे हैं तो मैं भरोसा नहीं करूंगा इस पर, हाँ नीचे में आकर के आपके क्लाइव मरांडे लूक जोंगवे इवन रिचर्ड्स नगरवा ठीक है ये सब आपको मैच विन आपके मैच विन करा के नीचे में दे सकते हैं, रायन बल भी सिंगल डबल लेके एंड तक तो मैच ले जाता है पर मैंने कभी इनको मैच विन कराते हुए नहीं देखा, बट हाँ क्लाइव मरांडे लूक जोंगवे ये सब मैच आपको विन करा के नीचे में दे सकते हैं, चेज में मैं उतना श्योर नहीं हूँ, इसमें देखा जाए तो आखिरी तक बैटिंग लाइनों पे ये चेज में कलर ला सकते हैं, रिशाद हुसैन नीचे में आपके तस्कीन अहमद भी मोटा मापा इतना मैंने नहीं देखा कि ये कहीं 30-40 रन बना दियो, हाँ जाकर अभी खेल सकते हैं तो मैं इन पे भी उतना भरोसा नहीं कर सकता चेज में, हाँ ये बोल सकता हूँ मुझसे कलर को कि भाई 5 में कोई एक T20 उड़ जाए आपको पता होना चाहिए दोनों के पास हिटिंग कैपेबिलिटी है, रिशाद हुसैन छक्का छक्का मारता तो ये सब थोड़ी बहुत समझ होगी आप इधर उधर DPLC करके आपका काम हो जाएगा, बट ये टूर्नामेंट मैं एक तरह से डिफेंड टूर्नामेंट के लिए जा रहा हूँ, ठीक है अगर आपको मेरे से ऐसे पूछना है किसके साथ रहो तो डिफेंड के साथ रहना, मेरे हिसाब से आपका काम हो जाएगा डिफेंड के साथ रहो क्योंकि दोनों की बैटिंग ऐसी है कि वो प्रेशर के बिना खेलेंगे तो रन बना लेंगे और उनके बॉलर्स बाद में कलर ला सकते हैं, ठीक है और कुछ है नहीं बांग्लादेश की एक मेजर प्रॉब्लम कि इनके लेफ्ट आर्म का कोई स्पिनर मेरे को नहीं दिख रहा, नताइजुल इस्लाम को इन्होंने ले लिया है, नाइट एक और थे ना नसूम अहमद किसी को नहीं लिया, ये एक मेजर प्रॉब्लम हो सकती है, तो बाकी कुछ नहीं है बाकी देखा जाएगा, एक अच्छा टूर्नामेंट आपके लिए सारी चीज मेरे हिसाब से मैंने बता दी है बाकी जो होगा देखा जाएगा, तो चलिए 3-2 से मैं ये सोच रहा हूं कि ये टूर्नामेंट कंप्लीट होगा, तो 2-2 तो होगा ही, बाकी मेरा वो ट्रिक याद रखिए अगर पहली कोई टीम दोनों जीत जाती है तो तीसरा उनके साथ रहेगा, ये सारी चीज दिमाग में रखिएगा पता हो जाएगा, ठीक है तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूं।